पुख्ता सबूत नहीं है इसीलिए आपको नोटिस भेजा गया है, पूछताछ करेंगे, जब पुख्ता सबूत मिल जाएंगे तब अरेस्ट कर लेंगे। दोस्तों जितने भी मामले 7 साल तक की कैद के होते हैं, मतलब किन किन मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, यहाँ तो मैंडेटरी बन जाता है कि आप 41A का नोटिस दोगे ही। अब सेक्शन कौन से बनते हैं यहाँ पर, 419, 420, 120B, ये किसी पर लगा है, 66D लगा है, जैसे कॉल सेंटर का मामला है या मनी किसी के अकाउंट से उड़ा दी किसी ने, पर इसमें 41A का एक नोटिस जो सेक्शन बोलता है उस पर काफी सारे सवाल हैं आप सभी के दिल में, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनको ये नोटिस मिला है या फिर बहुत सारे वो लोग जिनको नोटिस ये मिलने वाला है बट उनको पता है किसी केस में उनका नाम आया है, कुछ पूछताछ पुलिस उनसे करने वाली है। दोस्तों 41A का नोटिस है क्या? सबसे पहले आप ये समझिए कि 41A का नोटिस जब किसी को आया तो मतलब ये है कि कोई भी केस हुआ दर्ज कहीं पर भी और उसमें आपसे पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ पूछताछ करना चाहती है। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, वो होगा तो 91 के लिए आपको नोटिस भेजा जाएगा, बट यहाँ 41A का नोटिस आपको मिला है। अब जब भी किसी को 41A का नोटिस मिलता है तो उसके दिल में कुछ तरह के सवाल आते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सारे एविडेंस आपके साथ कनेक्ट हो गए या आपने जो जो चीजें बताई वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट चली गई, क्योंकि आपको मामला तो पता नहीं है, पुलिस पहले पूरा मामला आपको बताएगी नहीं कि पूछताछ बाद में शुरू करेगी, पहले आपसे सवाल जवाब पूछना शुरू कर देगी पुलिस। आप देखोगे कि जब आपके पास 41A का नोटिस आता है उस पर FIR नंबर तो लिखा होता है बट FIR साथ में नहीं आती, और पुलिस 41A का नोटिस जो भेजती है उसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। सबसे पहला कारण, मान लीजिए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है दिल्ली में और आप रहते हैं बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में, काफ़ी दूर रहते हो, मतलब कि आप बॉम्बे आप रहते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, तो बहुत दूर है, तो क्या ये आने जाने का खर्चा ये पुलिस को मिल जाता है? मतलब आपको फ्लाइट से भेजेंगे उस पुलिस वाले को, आपके पास जाएंगे, आपको अरेस्ट करके लाएंगे? दोस्तों ये सब ना खर्चे कई बार पुलिस को अपनी जेब से करने पड़ते हैं। दूर का मामला देखते हुए पुलिस आपके पास कई बार नहीं पहुंचती, 41A का नोटिस दे देती है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तब आपको अरेस्ट कर लेंगे, एक तो ये भी मामला बन जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि किसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दूसरी बात दोस्तों ये होती है कि पुलिस के पास अभी कोई स्ट्रांग, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है इसीलिए आपको नोटिस भेजा गया है, पूछताछ करेंगे, जब पुख्ता सबूत मिल जाएंगे तब अरेस्ट कर लेंगे, ये दूसरा पॉइंट इसका बन जाता है। अब तीसरा पॉइंट कि कब पुलिस आपको और नोटिस भेजती है। दोस्तों जितने भी मामले 7 साल तक की कैद के होते हैं, मतलब किन किन मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, यहाँ तो मैंडेटरी बन जाता है कि आप 41A का नोटिस दोगे ही। अब सेक्शन कौन से बनते हैं यहाँ पर, 419, 420, 120B, ये किसी पर लगा है, 66D लगा है, जैसे कॉल सेंटर का मामला है या मनी किसी के अकाउंट से उड़ा दी किसी ने या चीटिंग कर दी किसी के साथ में, पैसा ले लिया उसका झूठ बोलकर, कॉल सेंटर बहुत चलते हैं दोस्तों, झूठ बोलकर पैसा उड़ाए थे अकाउंट से, ऐसे मामलों में बहुत नोटिस आते हैं। अभी मेरे पास एक रिसेंट में केस आया था, बल्लेबाजी ये कोई साइट चलती है उसका मामला था, तो ऐसे कई सारे दोस्तों मामले आते हैं। अब दोस्तों चौथे पॉइंट में आप ये भी बोल सकते हो कि पुलिस को अभी सिर्फ शक है, सिर्फ शक है, अभी आपके अगेंस्ट कुछ भी पुलिस के पास नहीं, तो पुलिस ने आपको एक नोटिस भेज दिया कि आओ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो और जब हमें थोड़ा सा मिल जाएगा आपके अगेंस्ट तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये 4 तरह के पॉइंट होते हैं जब मेजरली पुलिस आपको बुलाती है, 41A का नोटिस देती है। किसी भी तरह की आप एडवाइस चाहते हैं, नोटिस आपके पास आया है, कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको सही सॉल्यूशन देने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोज आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।